अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट मैं प्रूव कर रहा हूँ, जो कि बड़ी सिग्निफिकेंस रखता है अगर हम कंटूर इंटीग्रल्स या कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की बात करें। और आगे मैं जब प्रिंसिपल ऑफ डिफॉर्मेशन को भी डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियोस में, तो उसमें ये जो रिज़ल्ट है बड़ा रोल प्ले करता है। तो अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इस क्वेश्चन को कि हमारे पास फंक्शन है जेड माइनस जेड जीरो जेड होल पावर एन माइनस वन, और ये कहता है इसका आंसर जीरो आता है अगर हमारे पास एन एक नॉन जीरो इंटीजर हो। तो यहाँ पे हमें जो कंटूर दी गई है वो बेसिकली एक सर्कल है जिसका सेंटर जेड जीरो पे है और उसका रेडियस जो है वो आर है। अगर एन जीरो हो जाए तो फिर ये यहाँ पे अगर एन को जीरो पुट कर दें तो फिर इस कंटूर इंटीग्रल का आंसर जो है वो टू पाई आता है। तो दो ही केसेस डिस्कस होंगे, एक व्हेन एन इज नॉट इक्वल टू जीरो और दूसरा जो है वो व्हेन एन इज जीरो। तो सबसे पहले जो मैं केस डिस्कस कर रहा हूँ उसमें मैं एन को नॉन जीरो ले रहा हूँ। इंटीग्रल जो हमें गिवन है कंटूर इंटीग्रल वो है जेड माइनस जेड जीरो पावर एन माइनस वन डी जेड। ये कंटूर हमें गिवन है सर्कल ऑफ रेडियस आर सेंटर एट जेड जीरो। दिस इज एफ ऑफ जेड बेसिकली, तो एफ ऑफ जेड नोट डाउन करें, एफ ऑफ जेड हमारे पास है जेड माइनस जेड जीरो पावर एन माइनस वन। और जो कंटूर है सर्कल है तो सर्कल की जो पैरामीटराइजेशन वो है जेड इज इक्वल टू जेड जीरो प्लस आर ई पावर आयोटा थीटा। ये फुल सर्कल है तो इसलिए इसकी लिमिट जीरो से टू पाई होगी, यानी कि थीटा की वेरिएशन है जीरो से लेकर टू पाई तक। तो अब हमने ये जेड जो है वो फंक्शन ऑफ थीटा है, तो इसको इसमें से अब जेड माइनस जेड जीरो की वैल्यू निकालेंगे तो यह आएगी आर ई पावर योटा थीटा। ये जेड माइनस जेड जीरो यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आर पावर ई पावर योटा थीटा पावर एन माइनस वन बन जाएगी। जेड इज ए बेसिकली फंक्शन ऑफ थीटा, तो ये मैंने फंक्शन में जेड ऑफ थीटा की वैल्यू डाल दी, यानी कि जेड माइनस जेड जीरो की वैल्यू डालेंगे, जेड माइनस जेड जीरो की वैल्यू आर ई पावर योटा थीटा होल पावर एन माइनस वन। इसको सिंप्लीफाई कर लें, आर की पावर आ जाएगी एन माइनस वन और ई पावर योटा थीटा आ जाएगा ई पावर योटा एन माइनस वन इंटू थीटा। इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा जेड जीरो का और आर ई पावर योटा थीटा का आ जाएगा आर योटा ई पावर अयोटा थीटा, क्योंकि योटा थीटा का डेरिवेटिव ई पावर योटा थीटा और योटा थीटा का डेरिवेटिव अयोटा आ जाएगा। तो ये जेड प्राइम ऑफ थीटा की वैल्यू आ गई। ये मैंने बेसिक अब रिलेशन लिख दिया है जो कि कंटूर इंटीग्रल और लाइन इंटीग्रल का है, इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ जेड ऑफ थीटा जेड प्राइम ऑफ थीटा ऑन द राइट हैंड साइड, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास कंटूर इंटीग्रल आ गया। तो अब मैं एफ ऑफ जेड ऑफ थीटा जेड प्राइम ऑफ थीटा की वैल्यूज प्लग करूंगा। एफ ऑफ जेड ऑफ थीटा में ये कि मैंने यहाँ पे ये पुट कर देंगे जेड प्राइम ऑफ थीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ए जो है वो हमारे पास जीरो है और बी जो है वो टू पाई है। और एफ ऑफ जेड हमें जो फंक्शन की मैंने वो जेड माइनस जेड जीरो पावर एन माइनस वन। कंटूर इंटीग्रल जेड माइनस जेड जीरो एन माइनस वन डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू टू पाई एफ ऑफ जेड ऑफ थीटा की जो वैल्यू है आर पावर एन माइनस वन ई पावर एयोटा एन माइनस वन इंटू थीटा, जेड प्राइम ऑफ थीटा की वैल्यू है एयोटा आर ई पावर एयोटा थीटा और साथ इसके आ गया डी थीटा। एयोटा आर और आर पावर एन माइनस वन को हम बाहर ले जाएंगे तो ये पावर ऐड हो जाएगी आर एन माइनस वन प्लस वन, और इंटीग्रल के इनसाइड जो है वो हम जो बाकी टर्म्स हैं उनको लिख लेंगे, वो है ई पावर योटा एन थीटा। इधर मैंने ई की जो पावर है उसको स्प्लिट कर लिया है, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, माइनस वन प्लस वन से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रह जाएगा योटा आर पावर एन इंटीग्रल ज़ीरो टू 2 पाई ई पावर आयोटा एन थीटा डी थीटा। तो इसका एंटी डेरिवेटिव लें, ई पावर आयोटा एन थीटा डिवाइडेड बाय आयोटा एन 0 टू 2 पाई लिमिट्स, आयोटा कैंसिल आउट,
अब हम लिमिट्स डाल देंगे r पावर n डिवाइड बाय n, थीटा की जगह पहले 2 पाई पुट करें e पावर 2n पाई इनटू e पावर 0। अब e पावर योटा 2n पाई को देख लेते हैं किसके इक्वल होगा, बाय आयलर्स फार्मूला cos 2n पाई प्लस योटा sin 2n पाई। अब n की जो है जो मर्जी वैल्यू पुट कर लें, ये तो 0 होगा, और क्योंकि ये इवन मल्टीपल्स हैं पाई के, तो इवन पे cos जो है वो 1 देगा वैल्यू। इसका मतलब है r पावर n डिवाइड बाय n 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसका आंसर जो है वो 0 आ गया, यानी कि यही शो करना था कि व्हेन इज n इज नॉट इक्वल टू 0 इट इज इक्वल टू ओवरऑल इंटीग्रल का आंसर 0 आ गया। अब हम n इक्वल टू 0 वाला केस डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे पावर माइनस 1 हो जाएगी फंक्शन की, इसको हम इस तरह लिख लेते हैं 1 ओवर z माइनस z0 dz। z माइनस z जीरो जो है लास्ट जो प्रीवियस केस है उसमें भी हमने यही वैल्यू लिखी थी कि इट इज इक्वल टू r पावर योटा थीटा, और फंक्शन जो है वो अब हमारे पास आ गया है, f ऑफ z को नोट डाउन कर लें, f ऑफ z है हमारे पास 1 ओवर z माइनस z जीरो। अब इसमें मैं r पावर योटा थीटा डालूंगा तो ये आ जाएगा 1 ओवर e पावर योटा थीटा, z प्राइम ऑफ थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा आयोटा आर ई पावर आयोटा थीटा, लास्ट केस की तरह यहाँ पे इसका डेरिवेटिव हम ले लें। तो अगेन ये जो मेन रूल है यही यूज़ करेंगे इसके लिए भी, जो कंटूर इंटीग्रल और लाइन इंटीग्रल का है उसमें एफ ऑफ जेड ऑफ थीटा और जेड प्राइम ऑफ थीटा की वैल्यूज प्लग कर देंगे। फंक्शन हमारे पास 1 ओवर जेड माइनस जेड जीरो डी जेड, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई, राइट साइड पे 0 टू 2 पाई लिमिट्स 1 ओवर आर ई पावर योटा थीटा इंटू जेड प्राइम ऑफ थीटा की वैल्यू विच इज योटा आर ई पावर योटा थीटा डी थीटा, और आर आर से कैंसिल, ई पावर योटा थीटा ई पावर योटा से कैंसिल, और योटा को हम बाहर लिख लेंगे, सिर्फ डी थीटा रह जाएगा और 1 का एंटी डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू थीटा थीटा आ जाएगा, लिमिट 0 टू पाई। तो जब हम थीटा की लिमिट्स डालेंगे 2 पाई माइनस 0 तो आंसर आ जाएगा 2 पाई आयोटा, और इस केस पे यही आंसर हमने शो करना था। वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।